रायबरेली के पुरवा गांव में आग का तांडव देखने को मिला, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि फोन करने पर भी फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची। उधर अम्बेडकर नगर के राजेपुर धावा गांव में अचानक लगी आग से तैयार गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक किसानों की मेहनत खाक में मिल गई। पंजाब के एसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिव के सोनी और अम्बेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट।